2011 धनबाद का नंबर है, किसी को ऐसे यूज़ करनी हो कलकत्ता में तो 1.5 लाख रुपए में दे देंगे। आज 40 दिन बाद इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सारे एक लग्जरी गाड़ी के फीचर्स हैं इसमें। किस आवाज़ सुन लो भाइयों इसकी, स्विफ्ट डिज़ायर ये मिल जाएगी 2,90,000 रुपये में। 2016 स्विफ्ट वाइट कलर में, तो बढ़िया कंडीशन में है, इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, है ना। अपने टाइम में ये भी 15-16 लाख रुपए की गाड़ी थी, वॉल्सवैगन जेटा। इसका भी लाइफ टाइम टैक्स है। अभी ये 2012 की पोलो है डीजल। वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो कि भाई राजीव रॉक्स भारती अपना वीडियो कब लाएगा कि मैं देख पाऊँ। तो गाइस लॉकडाउन की सिचुएशन से आप भी समझ सकते हो, तो वीडियोस तो बाहर जाके शूट नहीं कर सकते। तो वैसे आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ कार्स दिखाऊँगा ज़रूर। लॉकडाउन का ख्याल और सेफ्टी का ख्याल को रखते हुए मैं आप लोग को ले कर चल रहा हूँ डीआर मोटर में, सॉल्ट लेक में। आपको पता है कि वहाँ पे कैसी कार मिलती है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं रीज़न बताता हूँ कि एक मेरे सब्सक्राइबर थे, मेरे को फ़ोन किए कि मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी जो है ना हेल्थ को लेके, उनकी मदर्स को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको कार बहुत इंपॉर्टेंट था, ज़रूरी था लेना। तो मैंने कहा, वो मेरे सजेशन लिए कि सर कहाँ से ली, तो मैंने रेफ़र किया डीआर मोटर में। आप जाओ अच्छी कंडीशन के, मैं आपको दिलाता हूँ कार वहाँ पे। तो वहाँ पे गए, लॉकडाउन का भी ख्याल रखा, सेफ्टी का भी ख्याल रखा, और वहाँ पे उनको एक अच्छी कंडीशन की कार भी मिल गई। वो मैं आपको अभी वो इंटरव्यू भी मैं दिखाता हूँ उनका। तो इसके बाद मैंने सोचा कि कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो जिसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस टाइम में एक जेन्यून कार लेना, एक जेन्यून डीलर से लेना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डीलर के पास नहीं जा सकते ना। वैसे डीआर मोटर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जब मेरे सब्सक्राइबर को कार दिलाई दिए तो लॉकडाउन के ऊपर भी एक कुछ बता दो, कुछ ऑफ़र दे दो, कि जो हमारे भाई वेट कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छी कार मिल जाए भाई लॉकडाउन में भी। तो आपके लिए दोस्तों, आपके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। नमस्ते, आपको गाड़ी लिए डीआर मोटर से, हाँ, कैसा लगा थोड़ा आप अपने कस्टमर को भी बता। हमको तो बहुत अच्छा लगा, हम बहुत भटक रहे थे इधर उधर, गाड़ी खोज रहे थे, मेरा बजट तो उतना नहीं था, जहाँ जहाँ गया सब बहुत महंगा बोल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। तो मेरे को इन्होंने बात किया तो बोला ठीक है, मेरे पास बहुत गाड़ी है स्टॉक में, आए पैसा लेके आ जाओ। तो सवेरे बात हुआ, मेरे को आने में थोड़ा टाइम लगा, अभी हम आके पहुँचे आधा घंटा पहले, तो अगला को देखा, 4-5 गाड़ी देखा, देख के मेरे को ये वाला गाड़ी बहुत अच्छा लगा। सब गाड़ी अच्छा ही है, उतना बजट नहीं है, अगर सस्ता है रहता तो और पैसा रहता तो वो इसमें से और बढ़िया वाला ले लेता, एक से एक तो गाड़ी यहाँ खड़ा है। तो मेरे को मिला, बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। लॉकडाउन का बाजार में मेरा बजट इतना नहीं था, मगर फिर भी इतना इसके अंदर मिल गया, बहुत सस्ता मिल गया। आप लोग भी आइए। आप खुश हो? पेपर वर्क वगैरह आपको तो कैसा मिला? खुश है, पूरा खुश है, एकदम पेपर ऊपर सब ओके है, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कितनी देर लगी यहाँ पे? आधा घंटा में पूरा काम सटा दिया सब। अभी 20 मिनट हुए हैं, अभी 20 मिनट हुए हैं, आधा घंटा नहीं हुआ आपको। 20 मिनट में आपको मैंने बोला आप पैसा लेके आइए, अपना आईडी प्रूफ लेके जाइए, आइए, आपको हाथों हाथ सब कुछ करके दिया हमने ऑन टेबल। कोई टाइम खराब हुआ? आपका टाइम बच, ऐसे डील करने में आपका टाइम बचा, आपको गाड़ी सस्ता मिला, और जो अभी हमारा ऑफर था लॉकडाउन का वो भी आपको दिया। अच्छा, बहुत अच्छा सर्विस। आपको रेट कैसा मिला दूसरे डीलर से? रेट गाड़ी का क्वालिटी बता, वो एकदम खराब नहीं है, एकदम सब ओके है, और कोई तकलीफ नहीं हुआ हमको, एकदम एकदम पैसा नकदा दिया, एकदम बहुत सस्ता मिला, बहुत सस्ता, इतना सस्ता कहीं पर नहीं मिलेगा अभी, हम तो बहुत जगह खोज लिया था। चलो आप खुश हो ना, हम हमारा कस्टमर खुश रहना चाहिए। चलो ठीक है भैया। भाइयों ऐसा है, आज हमने आपको लो बजट कार्स दिखाई हैं, इसमें मारुति की 3 गाड़ियां हैं, 2 स्विफ्ट है, 1 स्विफ्ट डिज़ायर है, है ना। मौका अच्छा है, दोबारा ऐसी डील नहीं मिलेगी। अभी क्या कलकत्ता का बायर ही आ रहा है, बाहर से बायर नहीं आ रहा, जो लोकल बायर आएगा आसपास का है, एक ही बार अपना पेमेंट वेमेंट लेके आए, लेके जाए गाड़ी, अच्छी डील दे दूंगा, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अभी खरीदने का टाइम है, लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर गाड़ियों के रेट बढ़ जाएंगे, दोबारा ऐसा रेट नहीं मिलेगा। अभी मैं बिल्कुल थ्रो है प्राइस में, नो प्रॉफिट नो लॉस में गाड़ी दे दूंगा आपको, अच्छे प्राइस में गाड़ी दे दूंगा, और बहुत बढ़िया कंडीशन में सारी गाड़ी। एक बार फिर से बताता हूँ, ये सिविक है 2007 की, ये आपका बहुत बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी है, ये एक स्विफ्ट डिज़ायर है,
ये लेडी डॉक्टर की गाड़ी है और वो वॉल्सवैगन जेटा है, और उधर पोलो और ऑल्टो है। फिर आपको कुछ और गाड़ियां दिखाएंगे कल इससे ऊपर रेंज की। अभी फिलहाल के लिए गाड़ियां, भाइयों स्वस्थ रहो, ध्यान रखो अपना, घर परिवार के साथ रहो, अच्छा खाओ, सेहत पे ध्यान दो। अभी सिर्फ यही है, पैसा वैसा तो आनी जानी चीज़ है, अभी अपना ध्यान रखिए। चलिए, कैसे हैं आप लोग? मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना दे, बहुत डिमांड आ रही है, तो किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, इतनी खतरनाक बीमारी आ गई है। जो अदृश्य बीमारी है उससे डरना चाहिए, डरने में ही भलाई है ना। किसी ने सोचा भी नहीं था, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, वैष्णो देवी है और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, कलकत्ता में काली घाट है, दक्षिणेश्वर है, सब बंद हो गए, तो कुछ है तभी बंद हुए। इस बीमारी से डरना चाहिए। सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी चली जाएगी। सरकार ने बता दिया कि आप मास्क पहनो, सैनिटाइज़र लगाओ, दूरी बना के रखो। अब नए तरीके से हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो चलो कोई बात नहीं, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, रात को दूध हल्दी पिएं, अपना इम्यून सिस्टम बना के रखें। बाकी गाड़ियों की बात, गाड़ियाँ तो आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना ध्यान आपको ही रखना है। सरकार तो लॉकडाउन खोल देगी, बाद में आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, कौन किस में बैठा है, ओला में कौन पेशेंट बैठा है, अपनी गाड़ी होगी, आप सेफ जाओ, अपनी गाड़ी लो, सेफ घूमो। बीमारी से बचना अब आपका काम है। सरकार तो खोल रही है धीरे धीरे, पर बचना आपको है। सरकार का काम था बताना, आपको बता दिया कि ये सेफ्टी मेजर है। गर्म पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी गाड़ी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। अपनी गाड़ी में घूमिए, सेफ घूमिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए गाड़ी खरीदो, बढ़िया गाड़ी खरीदो, और सुख दुख है गाड़ी चाहिए। तो अब आपको आज लो बजट की गाड़ियाँ दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। लो बजट की गाड़ियाँ दिखाते हैं आपको, जैसे कि शुरुआत करते हैं इससे, होंडा सिविक से। ये होंडा सिविक है जी, 2007 मॉडल, लाइफ टाइम टैक्स है, ऑटो गियर है, ऑटो गियर है, ऑटो ट्रांसमिशन है, स्टेयरिंग कंट्रोल है, एयर बैग्स हैं। किसी टाइम 15-16 लाख रुपए की गाड़ी थी, बहुत अच्छी कंडीशन में है, माइलेज बहुत बढ़िया है, 12-13 की माइलेज दे देती है, और हिंदुस्तान के बहुत जाने माने बिजनेसमैन की गाड़ी थी, है ना, बहुत संभाल के रखी थी उन्होंने, है ना। जो भी लेगा खुश रहेगा, गाड़ी के पेपर सब ओके हैं। आप इसको चाबी देखो, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगी ये। इसके टायर सारे नए हैं, अलॉय व्हील्स हैं, एयर बैग है, ऑटो गियर है, और कम बजट में एक गाड़ी घर में, कब सुख दुख है, गाड़ी की ज़रूरत होती है आजकल। आज 40 दिन बाद इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे एक लग्जरी गाड़ी के फीचर्स हैं इसमें। किस आवाज़ सुन लो भाइयों इसकी, है आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, 40 दिन बाद भी हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है। अभी तो नए पुराने तरीके से नहीं होगा कि एक बार देखने आए, एक बार लेने आए, हैं तो अभी तो जो भी रेडी बायर आएगा बढ़िया डील देंगे, क्योंकि दोबारा ऐसा, ये कलकत्ता के लोगों के लिए सही टाइम है ख़रीदने के लिए, है ना, क्योंकि बाहर से कस्टमर आ नहीं रहा, इसलिए कलकत्ता में गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी, है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं दूसरी, ये स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर है ना, ये पेट्रोल है, 2012 है, 22 तक टैक्स है, बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, देख सकते हैं VXI है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, नीट एंड क्लीन इंटीरियर है, ये मिल जाएगी 2,90,000 रुपये में, स्विफ्ट पेट्रोल 2012। अभी दिखाते हैं आपको 2016 स्विफ्ट, वाइट कलर में स्टार्ट करके दिखा, 15,000 किलोमीटर चली है सिर्फ, स्टेपनी जैक स्टिल अनयूज्ड, पूरी ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, एज गुड एज न्यू, है ना। अभी परचेजिंग का टाइम है, जो भी बायर लेगा उसको
इस टाइम कलकत्ता में गाड़ियां सस्ती मिल रही हैं और हम सस्ती दे रहे हैं, हमें मार्जिन नहीं चाहिए। इस टाइम सबको एक अच्छी गाड़ी दे दूं यही बहुत है। लो बजट कार्स दे रहा हूं आपके, वैल्यू फॉर मनी। मारुति की गाड़ी है, कोई मेंटेनेंस का इसमें चक्कर नहीं है खास। मारुति स्विफ्ट 2016 पेट्रोल, पूरी अनटच, एज गुड एज न्यू। ये सोचो भाइयों, नई गाड़ी ले ली बिल्कुल आपने, एज गुड एज न्यू है गाड़ी, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस मारुति का है, कहीं भी रिपेयर हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। बाकी जो भी कस्टमर आएगा उसको अच्छी डील दे देंगे। 2016 इसका हमारा आस्किंग प्राइस है 375,000 रुपया है ना जी, 375,000 रुपया। साउंड सुन सकते हैं इंजन की, बंद कर दो। अब ये दूसरी स्विफ्ट है जी, 2013 VXI, इसको भी स्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको। मॉडल है स्विफ्ट VXI, 23 तक टैक्स है, मेंट कंडीशन में गाड़ी है। ये भी ये एक सीनियर सिटीजन है डॉक्टर साहब, उनके हाथ से ही चली हुई है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। देखिए अब आपको एक लग्जरी कार दिखाता हूँ, लग्जरी कार के ही सारे फीचर हैं इसमें, है ना। अपने टाइम में ये भी 15-16 लाख रुपए की गाड़ी थी, वॉल्सवैगन जेटा, इसका भी लाइफ टाइम टैक्स है, है ना। 2012 मॉडल है, डीजल की गाड़ी है, बहुत बढ़िया एवरेज है, वॉल्सवैगन है, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम, एयरबैग, स्टेयरिंग कंट्रोल, अलॉय व्हील्स, सब कुछ है इसमें भी, वाइट कलर में, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है। ये देख लो भाई साहब, रेडी बायर आएगा उसको बहुत अच्छी डील दूंगा, रेडी बायर आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में गाड़ी दे देंगे, अगला भी खुश हम भी खुश। बाकी अभी पहले की तरह 5-5, 6-6 आदमी आएंगे तो नहीं होगा, 1-2 आदमी आइए, अपना पेमेंट आईडी प्रूफ सब लेके आइए, हाथों हाथ लेके जाइए, आपका भी समय बचेगा और हमारा भी, क्योंकि अभी ज़्यादा आदमियों से सिर्फ सीरियस बायर होगा उसी को एंटरटेन कर रहे हैं, और सीरियस बायर जो आएगा उसको उस हिसाब से डील भी मिलेगी, उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, सीरियस बायर को अच्छी डील देंगे, सीरियस बायर को बढ़िया डील मिलेगी। अभी ये 2012 की पोलो है डीजल, इसका 22 तक टैक्स है, 22 तक रोड टैक्स है, 22 तक रोड टैक्स है, 18 के आसपास माइलेज दे देती है डीजल में, बढ़िया गाड़ी है, टायर नए हैं, पेपर ओके हैं, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आराम से डीजल डालो और चलाओ। अभी ये आल्टो दिखा रहे हैं आपको, 2011 धनबाद का नंबर है, किसी को ऐसे यूज़ करनी हो कलकत्ता में तो 1.5 लाख रुपए में दे देंगे। फिर आपको कुछ और गाड़ियां दिखाएंगे कल इससे ऊपर रेंज की, अभी फिलहाल के लिए गाड़ियां, भैया स्वस्थ रहो, ध्यान रखो अपना, घर परिवार के साथ रहो, अच्छा खाओ, सेहत पे ध्यान दो, अभी सिर्फ यही है, पैसा वैसा तो आनी जानी चीज़ है, अभी अपना ध्यान रखिए। चलिए नमस्कार।